गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से मैं जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। जैसा कि कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स के थ्रू ये रिक्वेस्ट की थी कि नहीं सर, आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें। लाइव क्लास न होने के कारण कॉन्सेप्ट कुछ कम समझ में आ रहे हैं, ये बात सही है। तो आज मैं एक्सरसाइज 7A सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप लोग भी इसको ध्यान से देखें और सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ही इज रिचर देन आई। तो जैसा कि कॉन्सेप्ट में बताया गया था, यदि तुलना दो ही लोगों के बीच में हो तो ऐसा सेंटेंस आपका फर्स्ट टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आता है। और ऐसे सेंटेंस को केवल दो ही डिग्रीज में लिखा जा सकता है, या तो पॉजिटिव में या कंपैरेटिव में। तो हमने देखा यह कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है, तो अब केवल पॉजिटिव डिग्री में ही जा सकता है। ऐसे सेंटेंसेस का सुपरलेटिव डिग्री बनना संभव नहीं होता है। कारण ये होता है कि यहाँ पर नाउंस की संख्या केवल दो ही होती है। तो हमने कहा था जिन दो नाउंस के बीच में तुलना हो, जिन दो प्रोनाउंस के बीच में तुलना हो, उनको एक दूसरे से रिप्लेस कर लेते हैं, आई हमने कर लिया। वर्ब उसी टेंस से लाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई एम। फिर ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये तो ये निगेटिव बनेगा, तो हमने लिखा आई एम नाट। इसके बाद एडजेक्टिव को रखना है, तो एडजेक्टिव को या तो आप सो एज के बीच में रखेंगे या एज के बीच में रखेंगे। तो हमने कहा था सो एज का प्रयोग ऐसे ही सेंटेंसेस में आप कर सकते हैं जो निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव था, तो इसलिए हमने सो लिख दिया, सो रिच एज, और इसके बाद जिस नाउन से तुलना हो रही है उस नाउन को रख दिया। तो इस तरह से यह सेंटेंस सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, ही रन्स फास्टर देन आई। तो इस बार भी कंपैरेटिव है, अफर्मेटिव है, और दो ही प्रोनाउंस के बीच में तुलना हो रही है, तो हमने कहा आई। फिर इसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आई डू नॉट रन। अब हमारा एडजेक्टिव आ जाता है, तो चाहे एज लिखिए चाहे सो लिखिए, एज फास्ट एज, और फिर हमने पहले प्रोनाउन को रख दिया। तो ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग इसी तरह का सेंटेंस दिया हुआ है। फर्स्ट टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाला सेंटेंस ही सेंटेंस ये भी है। लिखा हुआ है ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन यू। ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन यू, बस केवल फर्क इतना है कि कंपरेटिव के साथ ही निगेटिव है, लेकिन यहाँ भी तुलना दो ही लोगों के बीच में हो रही है। तो हमने लिखा यू आर, इसको ख़त्म कर देते हैं, एज स्ट्रॉन्ग एज, और फिर पहले नाउन को ले आते हैं, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है नीरज डिड नॉट स्पीक मोर फ्रेंडली देन हिज ब्रदर। ये सेंटेंस भी फर्स्ट टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीरज और उसके भाई के बीच में तुलना हो रही है, तो इस सेंटेंस को भी हम केवल पॉजिटिव डिग्री में ही ले जा सकते हैं। तो लिखेंगे हिज ब्रदर, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें, हिज ब्रदर, फिर पॉजिटिव में ले जाना है, डिड नॉट स्पीक को आप क्या कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो स्पोक हो जाएगा, हिज ब्रदर स्पोक। फिर मोर फ्रेंडली को आप क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे, तो हो जाएगा मोर हटेगा आपका, एज फ्रेंडली एज, अब इसके बाद पहला वाला नाउन ले आते हैं,
ये सेंटेंस आपका ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है सी इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन श्रीदेवी। क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा ठीक सेंटेंस है, सी इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन श्रीदेवी। ये हालांकि ये सेंटेंस भी अगर ठीक से देखो तो दो ही नाउंस के बीच में तुलना हो रही है, इसमें दिक्कत आती है इस लेस से। तो इस लेस का कुछ करना नहीं होता है आपको, इस लेस को केवल क्या करना है, इस नॉट को तो हटाना ही पड़ेगा, और इस लेस को आप काहे बदल दोगे जब पॉजिटिव डिग्री में जाओगे तो एट लीस्ट में आपको बदलना पड़ेगा उस एडजेक्टिव के पहले। तो हम लिखते हैं श्रीदेवी इज, श्रीदेवी इज, अब इसके बाद ये निगेशन खत्म कर दिया हमने, लेस को काहे बदल दिया, एट लीस्ट एज, अब एडजेक्टिव ले आते हैं ब्यूटीफुल एज, और पहला वाला प्रोनाउन रखते हैं सी। तो मुझे नहीं लगता है कि कठिन सेंटेंस था, थोड़ा सा लेस की वजह से दिक्कत आती है, तो उसके लिए हमने कहा आप उसको पॉजिटिव डिग्री में जब भी ले जाएं तो एटलीस्ट में बदल दें। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है उसको देखते हैं, ये भी ठीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यू आर नॉट, यू आर नॉट, और फिर लिखा हुआ है द बेस्ट ऑफ, द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, और फिर लिखा हुआ है इन द क्लास। तो ये सेंटेंस था। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, यहां पर तुलना जो हो रही है 2 से ज्यादा में हो रही है। क्यों? एक तरफ ये प्रोनाउन है और इसकी तुलना जिस नाउन से कराई जा रही, कक्षा के सारे लड़कों से कराई जा रही, यानी कि यहां पर संख्या जो होगी वो क्या होगी, 2 से ज्यादा होगी। इसको पॉजिटिव डिग्री में ले जाते हैं। तो आपकी आसानी के लिए हम बताते हैं कि ऐसे जितने भी सेंटेंस हों सुपरलेटिव डिग्री में जिनमें प्लूरल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग हो रहा हो या एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के बाद आ रहा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को जब पॉजिटिव डिग्री में ले जाते हैं तो क्या लिखते हैं, ऑल, सॉरी, इस ऑल को आप क्या करेंगे, सम में बदल लेंगे, सम अदर लाना पड़ेगा आपको, सम अदर बॉयज इन द क्लास, ये आपका पहला सब्जेक्ट बन जाता है। और इसके बाद आप क्या करोगे, अब यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ गई थी, मान लो यहाँ पर सी लिखा हुआ होता तो इज होता, लेकिन आपको प्लूरल वर्ब लानी पड़ेगी क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल बन चुका है। सम अदर बॉयज इन द क्लास आर, अब ऐसे सेंटेंसेस में भी आपको एटलीस्ट का प्रयोग करना पड़ता है, एट लीस्ट एज, और फिर एडजेक्टिव ले आते हैं एज गुड एज यू। तो ये थर्ड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाला सेंटेंस था, थर्ड टाइप कंपैरिजन आपको बताया गया था, तो वहां से इसके कॉन्सेप्ट को समझें और जो मैंने बताया है उसको आप देखें। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है यू आर नॉट द, सॉरी, क्वेश्चन दिया हुआ है ही इज मोर पोलाइट, और ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है ही इज मोर
पोलाइट देन एनी अदर मैन, एनी अदर मैन आई हैव ईवर, और फिर लिखा हुआ है सीन। तो ठीक क्वेश्चन है, बहुत जटिल नहीं है। यहाँ पर एक क्लास अलग से दी हुई है, इस पर ध्यान देना है हमें। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये सेंटेंस सेकेंड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि उसकी तुलना अन्य लोगों से कराई जा रही है। लेकिन ये नाउन हमने बताया था, अगर सिंगुलर होगा तो सेकेंड टाइप बनेगा, अगर यहाँ मेन लिखा हुआ होता तो ये थर्ड टाइप बन जाता। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम पॉजिटिव डिग्री में ले जाते हैं तो करते क्या हैं, इस वाली क्लास को आप पहले ले आते हैं। तो हमने लिखा आई हैव, अब आप जब पॉजिटिव डिग्री में इससे ले जाएंगे तो देखो ये सेंटेंस अफर्मेटिव था तो ये निगेटिव बनेगा। तो ईवर को जब आप निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेवर, आई हैव नेवर सीन। अब देखो क्या है, अब सेंटेंस में जब पॉजिटिव डिग्री में आप जाएंगे तो ये सब प्रॉपर्टीज किसकी हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी कंपैरेटिव डिग्री की हैं तो आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो हमने लिखा आई हैव नेवर सीन सो पोलाइट अ मैन, सॉरी अ मैन को आप जो है यहां पर रखे, आई हैव नेवर सीन अ मैन सो पोलाइट एज, और पहले वाले नाउन को रख देते हैं तो तुम्हारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दिक्कत केवल इस क्लास की वजह से आ रही थी, तो इस क्लास को आपको निगेटिव बनाना पड़ेगा तभी आपका मीनिंग कॉमन होगा। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम पॉजिटिव डिग्री में बदल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है बगदादी इन इराक वाज द मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट आई हैव इवर हर्ड। जैसे आपने पहला वाला सेंटेंस इसके पहले वाला सेंटेंस बनाया है, ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे ये सेंटेंस आपका बनना है। आप इसकी कोशिश करना, अगर फिर से आपको दिक्कत आती है तो फिर से आप हमसे पूछ सकते हैं। और हम इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है ही फिनिश द वर्क बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ही फिनिश्ड द वर्क बेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आप देखो कि यहां पर जो है फिर से एक नई क्लाज आ रही जिसका टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। अब आप इस क्लाज को उठा के पहले लाओ, दूसरी चीज क्या है कि ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री में आप इसे ले जा रहे हैं तो जब पॉजिटिव डिग्री में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये अफर्मेटिव था। तो इस क्लाज को ही आपको निगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो बाद वाली क्लाज है उसको निगेटिव नहीं बनाते हैं। तो हमने लिखा आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इस क्लाज को जब लिखा जाता है तो इसी से जोड़ते हुए लिखते हैं। तो हम करते क्या हैं कि ये जो नाउन दिया हुआ होता है इसको यहां पर ऑब्जेक्ट बना लें ताकि आपके मीनिंग में कोई डिफरेंस ना आए। फिर इसके बाद इससे जब जोड़ना है तो आप एक इन्फिनिटिव का प्रयोग कर लें, तो फिनिश्ड को जब इन्फिनिटिव बनाएंगे तो हो जाएगा टू फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क, इतना काम आपने कर लिया, आपका ये एडजेक्टिव आ गया,
तो जब एडजेक्टिव सबसे अंत में रखा जाता है तो केवल जो है एक ही कंजक्शन को रखा जाता है, यानी कि जो सो एज होता है उसमें केवल आप सो को रखें, एज का प्रयोग करते हैं तो केवल एज को रखें, बाद में रखने की ज़रूरत तब होती है जब सेंटेंस आगे बढ़ता है। तो यहाँ से यह सेंटेंस फिनिश हो जाता है, इस तरह से इसको पॉजिटिव डिग्री में बदल लेते हैं। अगले सेंटेंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। में लिखा हुआ है ही इज मोर जेनरस देन वी थॉट। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनना है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 में किया गया है। आप जो है इसको भी बनाने की कोशिश करें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी 9 और 10 की तरह ही बनना है, बहुत कठिन सेंटेंस नहीं है, इसको आप सेल्फ में ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। ये लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले देखें सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। फिर उसके बाद इस वाले नाउन को देख लेते हैं, सिमिलर है, यानी कि ये सेकेंड टाइप हो गया सेकेंड टाइप। अब इसको पॉजिटिव डिग्री में ले जाएंगे तो सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा, नो अदर। फिर इस नाउन को लाओ जिससे तुलना कराई जा रही है, ड्रामेटिस्ट। वर्ब ले आए इज, नो अदर ड्रामेटिस्ट इज ले आए। इसके बाद देखिए एडजेक्टिव आ रहा है एज ग्रेट, एज किससे तुलना हो रही है, शेक्सपियर से, शेक्सपियर। ये आपका सेंटेंस बन गया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये तो आसान सेंटेंस था, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इस तरह से आप देख लें। क्वेश्चन नंबर जो है 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है सेकेंड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाला सेंटेंस है। तो जब सेकेंड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाला सेंटेंस है तो वो सेंटेंस भी नो अदर से ही शुरू होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आप उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। ये सेंटेंस तुम्हारा दिया हुआ है। तो हमने कहा कि चंडीगढ़ की तुलना जिस नाउन से कराई जा रही है वो भारत के शहरों से कराई जा रही है, और यहाँ पर शहर को प्लूरल नंबर पे रखा गया है। ये आपका बना थर्ड टाइप कंपैरिजन। थर्ड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाला सेंटेंस है। इसको जब पॉजिटिव डिग्री में आप ले जाएंगे तो हमने यहाँ पर कहा था कि आपका जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। ऐसे सेंटेंसेस को जब पॉजिटिव डिग्री में ले जाते हैं तो आप ओनली फ्यू या वेरी फ्यू से शुरू करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे सिटीज लिखा हुआ था, ओनली फ्यू। अब इसके बाद जिस नाउन से तुलना हो रही उसको लाइए, सिटीज इन इंडिया। अब आप समझ गए होंगे यहाँ तो वर्ब सिंगुलर है लेकिन यहाँ वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल आर। ओनली फ्यू सिटीज इन इंडिया आर। अब इसके बाद यहाँ आप
पहुंच गए हैं। अब आपको क्या करना है, इस एडजेक्टिव को जो है पॉजिटिव डिग्री में लाना है। ये एक प्रॉपर्टी किसकी है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं सुपरलेटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस आएगा तो ये एलिमिनेट हो जाएंगी। आर एज ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल एज चंडीगढ़। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सेंटेंस भी कठिन है, आप इसको ठीक से देखें और समझें। फिर इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, एलके आडवाणी इज ओल्डर देन मेनी अदर लीडर्स इन इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए किस टाइप के कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाला ये सेंटेंस है, तो जैसे ही लीडर्स को हमने देखा तो थर्ड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाला सेंटेंस है। मतलब इसका ये हुआ कि पॉजिटिव डिग्री में जैसे ही ये सेंटेंस जाएगा तो इसको ओनली फ्यू या वेरी फ्यू से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि सेम पैटर्न पे ये सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ से एक एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाती है। अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगा। आज की क्लास यहीं तक। हैव नाइस डे।